नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नौखवी, फिजिक्स लेक्चरर सरदार सिंह इंटर कॉलेज महमूदाबाद। आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम निम्न बातों पर आज विचार करेंगे। वो बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसे लिखी हुई है, नंबर एक है इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे पहले मैं शुरू करने आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है क्यू इज इक्वल टू आई टी, याद है ना? यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू आई टी। डैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर क्यू चार्ज है, आई करंट है, टी क्या है, टाइम। अब अगर हमको इसकी देना है डिफिनेशन तो कह सकते हैं कि किसी चालक में एक सेकेंड में प्रवाहित धारा को कहते हैं आवेश। ओके, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम है। और अगर इसकी हमको डायमेंशन निकालना है तो आप जानते हैं ए, और इसका कितना होगा टी, ये होगा इसकी डायमेंशन। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर सामान्य प्रकृति के आवेश हैं तो वो सजातीय कहलाएंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो वो कहलाएंगे विजातीय। उसके बाद फिर है कि अगर दोनों ही प्लस प्लस है, कि जैसा कि आप जानते हैं ये प्लस और एक प्लस एक माइनस, अगर बच्चों दोनों समान प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ठीक, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से अपने टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, के बाद आता है हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे और कूलम्ब ने ये बताया था कि ये सपोज दैट एक ये यहाँ पर Q1 Q2 दो ये चार्ज है, इनके बीच की दूरी R है और इनके बीच एक बल F कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख दूं, आपको समझाता हूँ। Q1 Q2 इन्होंने बताया था कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ध्यान रखेंगे वैद्युत बल दोनों होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण मैंने आपको बताया हुआ है। तो बोलेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और अगर आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 1/r² या इसको मिला दें तो बनेगा Q1 Q2 / r². अब बच्चों हम इसको बोलेंगे कि कूलम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल सदैव आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम इसको साथ में मिला दें तो बच्चों बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द Q1 Q2 / r², राइट। अब अगर मैं इसको बच्चों हटाता हूँ तो जाएगा F, यहाँ कुछ लगाएंगे कॉन्स्टेंट K हो गया Q1 Q2 / r², या अब ये अगर K की वैल्यू है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं चाहूँगा आपको लिख दूँ K F इज इक्वल टू कर दे 1/4πε₀, इसको बोलते हैं ε₀ जो कि वैद्युतशीलता है, इसको बोलेंगे फ्री स्पेस की वैद्युतशीलता, Q1 Q2 / r², और इस ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम अक्सर देखिए बहुत सी जगह आपको इसको लिखा होगा कि यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4πε₀k, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है Q1 Q2 / r², तो इट मीन्स क्या हो गया कि K आपका यहाँ पर एक है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ। पहले बताता हूँ कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, कि बोलेंगे किन्हीं दो भिन्न भिन्न आवेशों के बीच या किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल सदैव उनकी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। साथ मिला दिया तो बच्चों बना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द Q1 Q2 / r²,
ये हटाया तो इसकी जगह कॉन्स्टेंट के आया, के की वैल्यू मैंने बताया 1/4 पाई एक्स आर एन नॉट, जहाँ पर एक्स आर एन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, हिंदी में हो जाएगा ये आपका वैद्युशीलता और निर्वात अथवा वायु में। अच्छा अगर मैंने बोला कि आपका इसको फ्री स्पेस, ठीक, तो फ्री स्पेस क्या हो गया निर्वात, और यहाँ पर क्या है कि मैंने लगा दिया के को बोलेंगे परावैद्युतान। अब के क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर चाहूँगा कि के का आपको बता दूँ, के क्या है, के होता है एक्स आर एन अपान एक्स आर एन नॉट। मैंने बताया था अभी कि एक्स आर एन नॉट ये आपकी फ्री स्पेस की क्या है परमिटिविटी, वैद्युशीलता, ठीक, और ये ऊपर वाली भी क्या है वैद्युशीलता है, लेकिन ये किसी माध्यम की है और ये किसकी है आपकी फ्री स्पेस। तो बोलेंगे कि द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हिंदी में है तो बोलेंगे कि परावैतांग सदैव माध्यम की वैद्युशीलता और किसकी है फ्री स्पेस की वैद्युशीलता के अनुपात को कहते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, बोलेंगे बच्चों बहुत सिंपल से इसकी परिभाषा है डिफिनेशन है, बोलेंगे कोई एक आवेश या बोलेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करे उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे होता है E इज इक्वल टू होता है F अपान क्यू नॉट। बच्चों क्यू नॉट का यहाँ मतलब है, क्यू का मतलब चार्ज है, क्यू नॉट का सिर्फ शो कर रहा है, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण आवेश हमको जिसका परीक्षण करना है, जिसका हमको टेस्ट करना है, वही मात्रक है वही विमा है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। तो बोलेंगे कि इसको कह सकते हैं कि किसी एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाले वैद्युत बल को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर आसान कर दें बोल सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स इन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द अप्लाइड फोर्स इन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाले वैद्युत बल को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बोलते हैं बच्चों आगे आता है कि इसमें आता है ई का आपको निकालना आएगा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट बच्चों एफ की आपको मालूम हो जाएगा न्यूटन, इसका बच्चों कितना है कूलाम, सिंपल सा है। अब हमको निकालना है इसकी डायमेंशन, डायमेंशन आपको जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वेरी गुड, एंड कूलाम क्यू इज इक्वल टू आई टी, दैट मीन्स कह सकते हैं इसको अगर निकालना है डायमेंशन तो मास इनटू एक्सीलरेशन कूलाम क्यू बराबर आई टी कर दें, मास का एम एल टी माइनस टू अपान ए टी, ऊपर आएगा तो एम एल टी बच्चों माइनस टू है इसका वन है, ऊपर आएगा माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। ओके एम एल टी माइनस टू एंड माइनस थ्री हो गया और ए माइनस वन। बच्चों इससे पहले आगे बढ़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे आपको बताना है या समझिए आपको जानना है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, हालांकि मुझे नेक्स्ट चीज़ बताना है लेकिन वो भी चूंकि एग्जाम में कई बार पूछी गई है तो मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ। अक्सर आता है कि वैद्युशीलता जो मैंने बताया है इसका मात्रक और इसकी विमा, हालांकि मुझे तभी बताना चाहिए था लेकिन छूट गई है, मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा है कूलाम्स ला भी पढ़ चुके हैं, लिखेंगे वी नो डैट ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं वैद्युतशीलता की यूनिट और डायमेंशन, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कूलाम्स लॉ कितना है 1/4 पाई एक्स आर एन नॉट
q1 q2 अपन r स्क्वायर, ठीक, k की वैल्यू 1 मैंने कर दिया है। अब आइए बच्चों ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको मालूम है F इसमें बल है, ये दोनों आपके आवेश हैं, ये उनके बीच की दूरी, तो इसको कर सकते हैं। अच्छा इस पूरे का मान कितना है भूलिएगा नहीं, 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁻¹। इसको बच्चों आपको रटना है हर हालत में। आइए तो ये कर सकते हैं, εr0 यहाँ लिया है, ये होगा q1 q2 4π f बच्चों कहाँ आएगा नीचे fr2। सिंपल सा है, निकालना है हमको पहले यूनिट, q का मतलब क्या हो गया कूलाम, स्क्वायर हो गया, इसकी यूनिट कुछ नहीं है f न्यूटन, इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर। सिंपल सा है, कोई पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द परमिटिविटी, बोल देंगे कि वैद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम आगे बढ़ते हैं डायमेंशन विमा, डायमेंशन बच्चों क्या हो जाएगा कूलाम का क्यू बराबर आई टी से, दैट मीन्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर न्यूटन, न्यूटन का दैट मीन्स फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मीटर स्क्वायर दैट मीन्स एल स्क्वायर, या ऊपर आएगा बच्चों एम माइनस वन, एल बच्चों कितने हैं 213, ऊपर आएगा माइनस थ्री, टी बच्चों माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, टी की पावर 4 ए की पावर 2, एम माइनस वन 213 प्लस का माइनस हो गया, माइनस ऊपर आया प्लस हो गया और ए, ओके। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक सिंपल सा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहुंच चुके हैं ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू, अब हमको बताना है किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए एक मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, मानेंगे लिखेंगे लेट एक कोई बिंदु है ओ जिस पर एक कोई क्यू चार्ज स्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक। अब हमने पढ़ा हुआ है दो फार्मूले हमको ध्यान रखना है, एक कूलाम्स ला और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। कूलाम्स ला क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपन r स्क्वायर, और दूसरा क्या था E इज इक्वल टू F अपन q। ओके आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसका मैंने बता दिया है कि लेट एक कोई बिंदु है O है जिस पर कोई आवेश q है, इससे r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है और इस पर कोई परीक्षण आवेश, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे वी हैव कूलाम्स लॉ, कितना बच्चों F इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना था q1 q2 अपन r स्क्वायर, वही पढ़ा हमने, लेकिन यहाँ पर मैंने आवेश ले लिया q और q नॉट, तो यहाँ कर देंगे q और q नॉट, इसको कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। दूसरा बच्चों है कि वी आल्सो नो डैट, पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, अभी पढ़ा था, यह कर दें कि F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, ये हो गई इक्वेशन 2। ओके अब हम क्या करेंगे बच्चों कि दोनों इक्वेशन को क्या करें, इससे आपके ऊपर है, चाहे तो इसमें से F की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर सकते थे या दोनों को कर दें इक्वल, राइट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज ये भी फोर्स है और ये भी आपका फोर्स है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे फ्रॉम बोथ इक्वेशन, तो बच्चों कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है 1/4πε0 q0 अपान r स्क्वायर इज इक्वल टू e q0,
ये ना क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, सिंपल। तो बच गया इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एक्स आर एन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका मात्रक लिखना होगा तो होगा न्यूटन एफ अपान क्यू, तो न्यूटन अपान कूलाम। ओके हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लिखा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दैट मीन वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों क्या है, देखिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है तो बोलेंगे इसमें एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है और इसमें इसके बीच की दूरी कितनी मैंने माना 2L। बोलेंगे कि कोई ये एक ऐसा प्रबंध है, एक ऐसा निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें कोई दो विजातीय अलग अलग ना लेकिन समान परिमाण के आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये एक ऐसा प्रबंध है जिसमें दो विजातीय और समान परिमाण के आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या हो जाएगा कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बोलेंगे कि फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू टू क्यू एल, या लिखा होगा क्यू इंटू टू एल। बच्चों सही से फार्मूला इसका ये है, किताबों में आप ये पाएंगे लेकिन इसका सही से फार्मूला ये है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें जो 2L है इसको मानते हैं पूरी दूरी। बोलेंगे कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों में से कोई एक आवेश, ध्यान रखेंगे चूंकि लेंगे इसका परिमाण, ओके। तो बोलेंगे किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश इसका परिमाण ले रहे हैं और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कि बोलेंगे क्यू का हो गया कूलाम इंटू मीटर। अगर इसकी हमको निकालना है डायमेंशन तो डायमेंशन हो जाएगी बच्चों क्यू का हो गया आई टी ए टी एल ए टी एल। ये हमारा बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। देखिए सामने लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब हिंदी में हो गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक। अब ये दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है कि इंग्लिश क्या लिखा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक है एक्सेल आर एंड ऑन पोजिशन, दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन आर इक्विटोरियल पोजिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। बहुत सी जगह पे इसको मिल जाएगा टेन ए और टेन बी भी, ठीक। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इस डेरिवेशन की जो लिखा है एक्सेल आर एंड ऑन पोजिशन, हिंदी में है अक्षीय स्थिति अथवा अंधेर, ठीक। दोनों ही आपके सुपर इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम को बहुत आराम से देखेंगे। अब लिखेंगे लेट किसी के परावैतांग वाले माध्यम में दो आवेश स्थित हैं जिनके बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। लेट इतना लिख लेंगे। अब बढ़ेंगे आगे बच्चों, देखिए 2L है इसका मतलब ये हो गया आपका, कर सकते हैं L और ये हो गया आपका L आधा आधा, ठीक हो गया। सबसे पहले निकाले E1 देन E2, यहाँ लिखेंगे कि वी हैव E1। अभी आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एक्स आर नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये ना क्या कर देंगे वन अपान फोर पाई एक्स आर नॉट के कर दें
क्योंकि परावैतरण वाला मैंने बताया, यहाँ कर दे क्यू अपान आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, चाहे भाई अभी यहाँ पर मैंने बताया कि क्यू का हमेशा लेते हैं परिमाण, लेते हैं परिमाण तो हमेशा उसको लेंगे प्लस में लेंगे, ठीक, ले रहे परिमाण। अब हम चल रहे यहाँ से और हमको आना कहाँ तक है, यहाँ तक पॉइंट ए पर हैं, तो इसका मतलब यहाँ से चले आर और हमको आना यहाँ तक है, तो दूरी कुल कितनी हो गई, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी आर प्लस एल, ये वो ना भाई, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी यहाँ देख लिया, चले एल चले फिर कितना चले आर, तो रहेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। याद है उसमें दूरी थी, तो दूरी निकालेंगे ऐसे, कोई परेशानी। अब बढ़ेंगे आगे, लिखेंगे E2 कितना होगा, वन अपान फोर पाई एक्सर नाट के, फिर Q अकेला Q ले लेंगे, ठीक। अब कितना है Q अपान R स्क्वायर, R वहां पे शो कर रहा था दूरी, दूरी कहां से, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर हमको वो तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इट मीन्स यहां से चलिए कितना आ गया R, और कहां तक आना आपको, ये पॉइंट ये, तो इसका मतलब क्या करेंगे, R में से ये L घटा देंगे, तो रहेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों फिगर देखेंगे, चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो निकालेंगे नेट E, नेट में क्या करेंगे, एक समीकरण को दूसरे इक्वेशन से क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट, लिखेंगे कि नेट, या लिखेंगे E, निकालना है आपको नेट, लिखे के कुल तीव्रता आपको निकालना है E, टोटल E, ठीक, नेट। तो नेट E कितना हो जाएगा, लिखेंगे कि E इजल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, ओके। E2 कितना है, वन अपान फोर पाई एक्सआर नाट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपान फोर पाई एक्सआर नाट के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम चाहे तो पूरे में ले लें कॉमन, क्या कॉमन हो जाएगा, क्यू अपान फोर पाई एक्सआर नाट के कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा आपका वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ओके। या ये कर दें यहाँ पर Q अपान फोर पाई एक्सआर नाट के, इसमें आपने ले लिया LCM, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ओके। आइए तो बच्चों देखें, इससे ये कैंसिल हो गया, पहले ये R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, कितना बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ओके। यह देखिए कितना है, E इजल टू चल रहा है Q अपान फोर पाई एक्सआर नाट के ना बच्चों, अब A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू आर एल, ये कर दीजिए इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो रहेगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आर एल अपान, एक में a माइनस बी एक में a प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना, तो रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का कर दें होल स्क्वायर। अब आइए बच्चों, या q अपान फोर पाई एक्सआर नाट के, क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर का साइन चेंज होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ना, यहाँ पे प्लस टू आर एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बच्चों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ बचेगा Q अपान फोर पाई एक्सआर नाट के टू टू
फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, अब हम बोलते हैं बच्चों आगे, यहां कर देंगे q अपॉन 4 पाई एक्स आर एन आर के, इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू, ध्यान रखिएगा यहां पे इसको कर दे 1 कर दें, q को लिया इधर 2 क्यू एल इंटू आर, कर सकते हैं ना, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2 क्यू एल, ये ना, तो यहां पर कर देंगे बच्चों कि P इज इक्वल टू, सॉरी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्स आर एन आर के 2 क्यू एल, ये कितना हो जाएगा P। R ऐसे लिखिए R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके, यही कर देंगे इजल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्स आर एन आर के, ये पी कहां से आया, मैंने बताया था 2 क्यू एल इज इक्वल टू पी, ठीक। अच्छा यहां देखिए मैं साइड पे लिखे दे रहा हूं 2 क्यू एल इजल टू पी, यह पहुंच चुके हैं। ओके, यहां पे हुआ पी आर अपॉन। अब आइए बच्चों देखिए इसमें एल है वो R की तुलना पे बहुत छोटा है, अतः क्या करेंगे L को हम छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि L लेस देन R तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, ये ना R स्क्वायर से, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे L छोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 to 4, या कर सकते हैं E इजल टू 1 अपान 4 पाई एक्स आर एन आर के पी आर, इसको कर सकते हैं R क्यूब इंटू R। ओके, कोई परेशानी नहीं, R से R कैंसिल हो गया, E इजल टू 1 अपान 4 पाई एक्स आर एन आर के, कितना हो जाएगा P अपान R क्यूब। ओके, यह आपका हो गया न्यूटन अपान कूलम, यानी E इजल टू F अपान क्यू से। ओके, देखिए इसको